मैं यहाँ पे बंदों की फुल पेलम पाली करने में लगा हुआ था। मैंने सोचा यार यहाँ पे काफी बंदों को मार दिया, कहीं इनके टीममेट वीमेट आके कैंप वैम्प ना करने लग जाए, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना पीछे जाते हैं। बट मुझे क्या पता था कि कोई मेरे लिए पहले से ही कैंप कर रहा है। तो आ चुके गाइस एक और नई जबरदस्त पबजी मोबाइल की वीडियो के साथ वापस, और आज का गेम प्ले काफ़ी इंटेंस होने वाला है। लाइक इतनी हार्ड लोबी आई है, एक तो सबसे पहली बात कि भाई मतलब बंदे इतने अग्रेसिव प्लस इतने तकड़े दिमाग के साथ साथ लेवल लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे मेरे को मिलता है एक पिस्टल, और पिस्टल के साथ इन बंदों की देखना किस टाइप से पेटी बनाता हूँ। अगर ये पिस्टल नहीं होता तो शायद मैं जोर्ज पुल सर्वाइव नहीं कर पाता। बस तुम सब देखना, ये बंदा पूरा एग्रेशन में शॉटगन लेके मेरे ऊपर पुश कर रहा कि भाई सामने वाले के तो पास तो पिस्टल है, इजीली लपेट देंगे। बट भाई इसको धर लिया जाता है, और इसको बाद में मैंने सोचा यार क्यों पांच सात गोलियां उनको खत्म करें, मुक्को से लपेटते, तो इसको लपेटता हूँ। तभी इसके टीममेट भी पुश मार देते हैं दोनों तरफ से। यहाँ पे ये सामने वाला बंदा जो कि ऑटोगन लिए फिर रहा था और मैं यहाँ पे शॉटगन, हमारी फाइट तो चली रही थी, तभी एक बंदा थर्ड पार्टी करने के लिए आ जाता है। मतलब भाई यहाँ कोई हलवा थोड़ी बैठ रहा है, तुम आओगे और यहाँ से थोड़ा थोड़ा ले जाओगे। बट देखना भाई उस बंदे को कैसे मैं शॉटगन पेलता हूँ। तो भाई यहाँ पे अगर मेरे पास पिस्टल नहीं होता तो शायद ये वाले क्लच वगैरह नहीं होते, पहले पिस्टल उसके बाद एक शॉटगन मिलती है और शॉटगन से इनकी पहलम पाल हो जाती है। इसके बाद ये वाले बंदे तो हो जाते फिनिश। बट पीछे की तरफ भाई किसी की फाइट तो ऑलरेडी चल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो यार उनकी तरफ भी जाया जाए। पहले तो इनसे मैंने लूट की अच्छे से, जितनी मेरे को इनसे लूट मिली भाई इनके पास अच्छी लूट, मतलब इनके पास इतनी थी, मेरे पास सिर्फ पिस्टल, फिर भी ये मेरे को नहीं मार पाए। आई डोंट नो कि भाई क्या लॉजिक था इन सबका। बट पीछे की तरफ तभी मैं यहाँ पे आता हूँ और मेरे को दिखता है एक बोट भाई साहब। मैं तो उसको मारने की पूरी फिराक में था, बट तभी सामने की तरफ से एक बंदे उसको भाई साहब क्या ही लपेटते हैं। मैंने कहा यार एक दो किल थोड़ा सा कंटेंट हमें भी निकालने दो, बट फिर भी कोई सीन नहीं है। मैं यहाँ पे जंप कर करके चेक करता हूँ कि वो बंदे हैं कहाँ पे, बट भाई साहब वो बंदे इस वेयर हाउस में तो थे नहीं, वो शायद पीछे की तरफ थे और पीछे ही भाग के कैंप, मतलब काफ़ी ज़्यादा तकड़े वाले कैंपर थे वो, तुम सब देखना किस लेवल के कैंपर थे। तो यहाँ पे मैं पहले इजीली यहाँ से चेक करता हूँ, उसके बाद पुश मार देता हूँ। बट यहाँ पे आके चेक करता हूँ तो यहाँ पे तो भाई साहब मेरे को कोई दिखता ही नहीं। यहाँ पे मैं अच्छे से चेक करता हूँ, यहाँ पे मेरे को कोई नहीं दिखता, तो मैंने सोचा चलो यार क्यों ना टावर पे जाके चेक करते हैं, क्या पता वहाँ से कोई लुक व्यू मिल जाए। बट ऐसा कुछ नहीं होता, और मेरी तरफ नेड पे नेड आ रहे थे, शायद उनको मैं दिख रहा था। तो भाई यहाँ पे मैं एक प्री नेड फेंकता हूँ और इंतजार करता हूँ कि ये बम फूटे, उसके बाद मैं पुश मारूंगा, क्या पता एक आधा नोक हो जाए। बट ऐसा कुछ होता नहीं तो मैं मार देता हूँ इनके ऊपर पुश। तो भाई यहाँ पे मेरे को पता था कि सामने की तरफ दो बंदे, और जैसे ही दूसरे बंदे ने मोली निकाल के फेंकने की ट्राई की तब भी मैं उस पर पुश मार देता हूँ।
और मेरे को ये विश्वास था कि मैं एक बंदे को नॉक कर दूंगा और दूसरे के हाथ में मोल ली, और जब तक वो गन स्विच करेगा तब तक मैं दूसरे पे भी घुस जाऊंगा। तो ये विश्वास लेके मैं चढ़ा था और अच्छे से इनकी पेटी बना देता हूँ। तो भाई अगर तुम भी कभी ट्राई करो तो साउंड सेंस का पूरा पूरा उपयोग करो, इजीली लपेट दोगे। बट इसके बाद मैं सोचता हूँ चलो यार जोधपुर हो गया होगा क्लियर, अब जोधपुर से चलते हैं। बट ऐसा सीन नहीं था भाई, जोधपुर सिटी की तरफ से मतलब एक बाइक वाले दो बंदे इतनी रफ्तार से आते हैं और इतनी ही रफ्तार से निकल जाते हैं। भाई ये इतनी तेज़ रफ्तार में थे कि मैंने डीपी मारने की ट्राई जरूर की बट इनको बिल्कुल भी टच नहीं हुई। मेरे को अंदाजा नहीं था, मेरे को लगा ये भाग गए होंगे, बट इनका एक बंदा पीछे से गाड़ी लेके आता है और ये दोनों के दोनों मेरे ऊपर वापस से पुश मार देते हैं। और भाई ये वाला इंटेंस क्लस तुम देख के सच, और यहाँ पे जैसे ही मैंने मतलब इस बंदे को डैमेज दिया तो ये वहाँ पे रुक के अपने टीममेट को रिवाइव देने लग जाता है। तब तक मैं हील करता हूँ और भाई यही वाला एक पॉइंट है जहाँ पे यार तुम्हारा लाइक करना इस वीडियो को बनता है, एटलीस्ट दो चार फ्रेंड्स के पास शेयर करना भी बनता है। तो कैसा लगा ये वाला क्लच जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर भी। भाई मतलब मेरे को खुद को नहीं लग रहा था बिकॉज मेरी एच पी बहुत कम थी और ये बंदे कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव थे, लाइक मिड वेड और स्टार्टिंग में जो कि एक परफेक्ट स्क्वाड वाले काम नहीं होते वो वाले कर रहे थे। और भाई काफ़ी गलत ही सीन हो जाते अगर यहाँ पर मर जाता तो। इसके बाद यहाँ से मैं बग्गी लेके निकलता हूँ और सामने की तरफ चली हुई थी एक फ्लेयर गन। पहले तो फ्लेयर गन पे जाके मैं तब चेक करता हूँ थोड़ा दूर से कि बंदे बंदे हैं कितने। वहाँ पे जाके देखना भाई पूरी स्क्वाड मेरे को दिखती है और ये वाली स्क्वाड भाई मतलब पता नहीं इन्होंने कौन से स्पीड हैक लगा रखे थे, इतने जल्दी भाग रहे थे ना, तुम सब देखना बस। यहाँ पे मैंने उस बंदे को मारने की ट्राई जरूर की बट तभी बीच में पेड़ आ जाता है और आगे की तरफ जाता हूँ और वो ड्रॉप लूट ही रहा था। और जब डीपी हो हाथ में तो भाई लेट के स्प्रे दो 4x हो उसके साथ तो भाई क्या ही गजब स्प्रे जाती है। तो वैसा ही वाला उस बंदे के साथ भी हुआ और वो नोक हो जाता है। उसके बाद उसके टीममेट्स भाई मेरे को देने लगे तो मैंने सोचा अच्छा वे है कि भाई मैं पूछी मार जाऊँ, सबसे बेस्ट यही रहेगा बिकॉज उनका एक बंदा डैमेज है। एक बंदा तब तक आ भी चुका था यहाँ पे। मेरी क्रिसमस। ये वाला बंदा इतना तेज मतलब आके लेट जाता है, वो तो मैंने जंप करके उस साइड हो गया वरना पेटी यहीं बन जाती। इसके बाद जो बारी थी वो बंदों की, यहाँ पे मैं फुल डीपी की स्प्रे देता हूँ बट कोई सीन नहीं था बिकॉज मैंने स्मोक में सिर्फ रैंडम फायर दी थी। तभी एक बंदा उस पत्थर से पीक भी करने की ट्राई मारता है और वो शायद मेरे ऊपर पीक ऑलरेडी किया बैठा था, मतलब जैसे ही मैंने पीक किया उसने डैमेज दे दिया। अब यहाँ पे तुम देखना वो वाले बंदे जैसे मैं कह रहा भाई कितने फास्ट है, लाइक मैं सिर्फ यहाँ पे लेट के मतलब चेक कर रहा था तब तक मेरे को दिखता है एक बंदा ऑलरेडी आ भी चुका इस साइड पूरा, मतलब वो पूरा शायद पीछे से क्रॉस करके आया होगा। मतलब यही तो चाहिए भाई, ऐसे ही बंदे जब सामने होते हैं तभी तो खेलने में ज़्यादा मजे आते हैं। और
और इनका लास्ट बंदा क्या ही M4 की स्प्रे दे रहा था, वो भी ऑलरेडी मेरे ऊपर पीक किए बैठा था, शायद वो पहले वाले बंदा जो कि वहाँ पे पत्थर के ऊपर किए बैठा था। तो उसके बाद क्या सीन होता है, मैंने सोचा यार इस पे मारू ना मारू, बिकॉज ये ऑलरेडी पीक किए बैठा, बिल्कुल हेड ही दिखा रहा है, लगेगी तो ठीक है वरना नोक भी होने के चांसेज है। मैं इंतजार करता हूँ, बट तभी एक गाड़ी वाला इसके ऊपर, मतलब एक गाड़ी वाली स्क्वाड इनके ऊपर पुश मार देती है। और उसके बाद भाई मैंने सोचा जोन में ज़्यादा मतलब जाना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जोन पूरा मिलिट्री बेस की साइड बना हुआ था। और यहाँ पे एक मेरे को गाड़ी दिखती है पीछे की तरफ, तो मैं उसको उठाता हूँ और बिल्कुल 0 सेकंड पे यहाँ से निकलता हूँ, बिकॉज वो बंदे पूरे 3 थे भाई, तो मतलब पेटी बनना कंपलसरी थी मेरी अगर वहाँ पे मैं रुकने की ट्राई भी मारता। और जोन में भी देखना बिल्कुल एंड में पहुँचता हूँ, जब जोन मेरे को बिल्कुल टच करके निकल जाएगा। तो यहाँ पे गाड़ी का पेट्रोल मेरा खत्म हो जाता है और मैं लेके निकलता हूँ वहाँ से एक बाइक, बाइक मिलती है। और जैसे ही मैं बाइक को यहाँ पे मतलब घुमाता हूँ, तो मेरे को बंदे बंदे काफ़ी ज़्यादा ही दिखने लग जाते हैं, मतलब एकदम से ऐसा कि भाई पहले बंदे मिल नहीं रहे थे। और यहाँ पे आता हूँ इस पहाड़ पे मतलब मिलिट्री बेस के पास, तो यहाँ पे बंदों का पूरा एक किला बना हुआ था, एक गढ़ था कि हाँ भाई बंदे सारे यहीं पे हैं। और एक बंदा तो पीछे से M4 शायद दूसरी स्क्वाड का था, पता नहीं कौन से स्क्वाड का था, बट वो भी काफ़ी तकड़ी फायर करता है, उससे तो बच के निकल जाता हूँ, बिकॉज भाई बाइक की स्पीड इतनी तेज़ होती है, मतलब स्प्रे इतनी अच्छे से नहीं होती, अगर सामने जोनाथन हो तो बात अलग है, बट वैसे इतनी शायद ना होती। तो यहाँ पे पहले हील करता हूँ, बट तभी ऊपर से फायर आता है कि भाई एक AWM चला रहा है, एक M4 चला रहा है, तो मैंने सोचा पहले क्यों ना इन बंदों को मार लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने पहले तो इस बंदे को मारा और तभी मैं पीछे जाता हूँ, बिकॉज वहाँ पे कोई नेड वेड कर सकता था, तभी वो गिली सूट वाला बंदा भी पुश मारता है। और यहाँ पे इस बंदे की भी पेटी बनाते हैं। इसके बाद मेरे को साउंड आता है कि पीछे की तरफ से एक बंदा इस साइड आ गया है, लाइक जहाँ पे अभी मैं करंटली हूँ, तो इस साइड, तो मैंने सोचा है पहले लेटता हूँ कहीं उसको दिख जाऊँ, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी रिज का फायदा था। बाद में मैं सोचता हूँ भाई क्यों ना पेड़ का कवर ले लिया जाए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और मैं एक स्मोक कर देता हूँ कि भाई सामने की तरफ से उसको कुछ विजिबल ना हो, मैं पूरा पीछे जाना चाहता था, बिकॉज भाई कैंपर है ये तो गारंटी है, बट जैसे ही मैं पूरा पीछे जाता हूँ, मतलब मेरे को कोई पहले से ही मेरे ऊपर पूरी नज़र लिए बैठा था। और भाई देख रहे हो किस लेवल का कैंपर है, कपड़े भी उतार रखे हैं भाई इस बंदे ने, मैं क्या ही बता सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाता है भाई गेम ओवर, बस 3 ही बंदे और बचे थे, बट कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैंने एक TDM खेला जस्ट इस गेम के ओवर के बाद। ये TDM में अगर मैं मतलब MVP बनता हूँ, तो देखो तुम्हारे इस वीडियो को लाइक करना बनेगा, तो वो सब तुम देख के जाना मैं MVP बनता हूँ या नहीं बनता। जस्ट पहला TDM था उस गेम के बाद, point for the red team. Nice shot. The blue team is unstoppable. No mercy. Reloading. Killing spree for the blue team. No mercy. Dead. You're about to win. The blue team is about to win. Target down. Blue team.
team victory.